अरे ये क्या हो गया, वो ट्रक वाला तो इन दोनों बच्चों को कुचल कर चला गया है। अरे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ बच्चे जिंदा भी है या नहीं। अरे पता नहीं कहाँ से आए दोनों बच्चे साइकिल में। अरे ये बच्चा तो मर गया है। अरे बहुत बुरा हुआ, अरे इस बच्चे को भी मार दिया यार। वो ट्रक वाला ट्रक लेकर निकल गया दोनों बच्चों को कुचल कर। बेचारे बच्चे लोग तो यहाँ पे साइकिल में खड़े हुए थे, अचानक से एक ट्रक आया और दोनों बच्चों को कुचल कर मार दिया। बहुत बुरा हुआ, इन दोनों की सांसें तो रुक गई है, मर गए हैं ये दोनों बच्चे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, इनको कौन मार दिया, कितने प्यारे बच्चे हैं। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। अरे हाँ हाँ कोई पुलिस को बुलाओ यार, इन लोगों तो अब हॉस्पिटल लेकर जाने का भी कोई फायदा नहीं, ये बच्चे लोग तो पहले ही दम तोड़ चुके हैं, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। अरे ये तो बहुत गलत बात है, वो ट्रक वाला जानबूझ के लगता है इन दोनों बच्चों को एक्सीडेंट करके गया है। ये लोग तो साइड पे खड़े थे, वो ट्रक वाला जानबूझ के उन दोनों को कुचल कर गया है। अरे बाप रे, फिर तो ट्रक वाला इनका दुश्मन ही होगा कोई। अरे ये बहुत बुरी बात है, चलो मैं पुलिस को जल्दी से कॉल करता हूँ। वैसे इन दोनों का नाम क्या है कुछ पता नहीं। अरे पुलिस वाले जी, यहाँ पे ट्रैफिक के यहाँ पे दोनों बच्चों को एक ट्रक ने कुचल दिया, जल्दी से आओ ठीक है फटाफट से। अरे यार पता नहीं इन दोनों बच्चे का घर कहाँ पे है, नाम क्या है। अगर गाइज आप लोगों को पता है इन दोनों का नाम तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में दोनों का नाम लिख दो, फिर सही रहेगा, जल्दी इनका घर ढूंढने में आसानी हो जाएगा। जल्दी से बताओ सबके सब कमेंट सेक्शन में। अरे इस बच्चे का क्या नाम है यार, खून में लथपथ हो गए, कितना सारा खून निकल रहा है दोनों बच्चों का, ख़त्म हो गए, कितने प्यारे बच्चे हैं, क्या नाम है कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। अरे ये दोनों बच्चे तो किसी अच्छे घर के लग रहे हैं, अरे कितने प्यारे थे ये दोनों बच्चे। अरे पता नहीं इनके घर वाले क्या करेंगे, इन दोनों को देखकर रोते रोते तो मर ही जाएंगे। अरे गाइस चलो मैं अपना जीप लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ काम था। अरे यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है, अरे कुछ तो हुआ है गाइस यहाँ पे, लगता है किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है ऐसा लग रहा है मुझे। चलो थोड़ा सा साइड पे इस गाड़ी को मैं रोक देता हूँ गाइस और देखता हूँ आखिर माजरा क्या। यार गाड़ी ही टूट गया मेरे तो, चलो थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ गाइस, नहीं तो कोई गाड़ी आकर मुझे ही ठोक देगा। चलो यहाँ पे रख देता हूँ और देखता हूँ आखिरकार क्या हुआ है, यहाँ पे चल क्या रहा है। अरे यार इतना भीड़ क्यों है लोगों का, अरे देखने की कोशिश करता हूँ गाइस आखिर चल क्या रहा है। अरे यार मैं तो यहाँ से देख भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा सामने की तरफ जाता हूँ। अरे साइकिल भी पड़ी है। अरे ये क्या, ये तो शिव है और कीको है। अरे कीको ये क्या हो गया, उठो उठो कीको, अरे ये तो खून निकल रहा है। अरे शिवा कीको हो क्या गया है, अरे उठ जाओ मेरे भाई लोग, तुम लोगों को हो क्या गया है। अरे ये साइकिल भी पड़ी है इनकी तो। अरे इन दोनों को तो किसी ट्रक ने टक्कर मार के कुचल दिया और कुचलते ही भाग गया वो ट्रक वाला, और ये दोनों तभी ही दम तोड़ चुके हैं, मर चुके हैं दोनों बच्चे, ये तुम ही ने जानते हो क्या। अरे ये लोग मेरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ये लोग कैसे मर सकते हैं किसने ये सब किया है मेरे भाई लोगों के साथ, तुम लोग हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए मेरे भाई को और ये तो पहले ही मर चुके थे, वो ट्रक वाला कुचलते ही इन दोनों ने दम तोड़ दिया और वो ट्रक वाला भाग गए, नहीं तो उस ट्रक वाले को पकड़ के बहुत पीटते हम तो। अब क्या ही कर सकते हैं, पुलिस को कॉल किया है, वो आते ही होंगे यार सिबा कीको क्या हो गया, तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उठ जाओ प्लीज, मैं शिनचान को क्या बताऊंगा कि तुम लोग अब हमारे साथ नहीं रहे, तुम लोग मर चुके हो उठ जाओ कीको सिबा प्लीज, मेरे भाई ये क्या हो गया, तुम लोगों के साथ मैं कैसे जीऊंगा। एक काम करता हूँ गाइस, सिबा और कीको को उनकी लाश को मैं उठा लेता हूँ और गाड़ी में लोड करके लेके चला जाता हूँ गाइस मैं क्या करूँगा गाइस, अब इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा, यहाँ पे कीको को और सिबा को मार दिया किसी ने, ट्रक वाले ने और है बच्चे, वो ट्रक वाले ने जानबूझ के दोनों बच्चों को मारा है। अरे हाँ हाँ वो दोनों बच्चे तो यहाँ पे साइड में साइकिल लेकर खड़े थे, वो ट्रक वाले ने जरूर कोई दुश्मनी निकाला है दोनों बच्चे के ऊपर। अरे गाइस ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी ये सब किया है मेरे कीको और शिवा के साथ मार डालूंगा जान से, मेरे दोनों भाई मर चुके अब मेरे साथ नहीं रहे वो लोग अब मैं क्या करूँगा गाइस, अब मेरा भी रहने का क्या फायदा है
गाइस अगर मुझे पता चल गया ना ये सब किसने किया है कीको और सिबा के साथ, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा गाइस, उसकी जान ले लूंगा अपने हाथों से एक बार बस पता चल जाए। बहुत बुरा हुआ गाइस, अब मैं सिंचान को क्या बताऊंगा कि कीको और सिबा मर चुके हैं, उन दोनों को किसी ने मार दिया बहुत बुरी तरीके से। अरे यार मेरा जीप भी ठीक से चल नहीं रहा है, अरे यहाँ पे हो क्या रहा है, लगता है गुंडों ने हमला कर दिया, देखो कितने सारे पुलिस रोड में पड़े हैं। अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही गाइस, बहुत बुरे लोग आ चुके हैं। मेरे भाई को मार दिया किसी ने, कीको और सिबा को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा, जिसने भी ये सब किया है मैं पता लगा के रहूंगा किसने किया ये सब। अरे यार ठुक गई गाड़ी। अरे लेडी सिंगम भैया आ गए, लेडी सिंगम भैया वो कीको भैया और सिबा भैया ना साइकिल लेकर बाजार गए थे मार्केट की तरफ मेरे लिए खिलौना लेने के लिए। अरे अब मैं तुमको क्या बताऊँ, सिंचान कीको और सिबा हमारे बीच नहीं रहे, उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है, वो लोग मर चुके हैं। ये क्या बोल रहे हो, प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ, एक सेकंड देखता हूँ, ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता, कीको भैया सिबा भैया उठ जाओ ना प्लीज, मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। अरे सिंचान ये लोग मजाक नहीं कर रहे यार, किसी ने इन दोनों को मार दिया है जानबूझ के ट्रक से कुचला, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार पता चल जाए किसी ने ये सब किया है। गाइस ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे कीको भैया और सिबा भैया के साथ पता नहीं किसने इन दोनों को मार दिया, एक बार पता चल जाए। अरे यार मुझे लग रहा है बुकरानी या इवल नानी या मॉन्स्टर हल्क या जोकर या और भी तो दुश्मन है हमारे, उन लोगों ने तो नहीं किया होना ये सब। अरे सिंचान तुम सही बोल रहे हो, जरूर उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा, ट्रक ले जाकर मेरे भाई लोगों को कुचला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा सिंचान, ऐसे रोकर कुछ फायदा नहीं होने वाला, मैं जा रहा हूँ सिंचान, मैंने अपना सुपर पावर एक्टिवेट कर लिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, पता लगा कर ही रहूंगा, तुम देख रहो इन दोनों की बॉडी को, मैं जरूर आऊंगा फटाफट से आता हूँ पता लगा कर, आज तो बदला लेकर ही रहूंगा, बदला लूंगा फिर जाकर ही कुछ करूंगा सिबा और कीको की लाश का। गाइस आज पता लगा के रहूंगा गाइस, आखिरकार किसने किया है, इसी तरफ इस नदी के पार ही उस चुड़ैल लोगों का भूत पिशाच लोगों का घर है गाइस, पूरा का पूरा मोहल्ले में, आज पता लगा के रहूंगा आखिरकार किसने किया है कीको और सिबा के साथ इतनी बुरी तरीके से उन लोगों को कुचलाई। गाइस ये रहा गाइस, यहाँ पे है वो ग्रैनी ईवल नन का घर, यहाँ पे रुक जाता हूँ, अरे यार रुक जाओ यहीं कहीं पे, ये देखो गाइस यही घर है सामने वाला घर ही, आज तो मैं पता लगा के रहूंगा गाइस आखिरकार किसने किया है, कहीं घोस्ट तो नहीं किया है ना गाइस, घोस्ट और भी तो मॉन्स्टर हल्के सब कुछ इतने सारे हमारे दुश्मन है गाइस, कोई भी कर सकता है। अरे यार जाकर देखता हूँ पहले तो इनके घर में, अरे ग्रैनी ग्रैनी कहाँ पर हो तुम, अरे एक सेकेंड यहाँ पे इविल नन और ग्रैनी कुछ बातें कर रही हैं गाइस, एक सेकंड मैं चुपके से सुन लेता हूँ इनकी बातें। आज तो मजा ही आ गया, उसकी को और सिबा को तो हमारी ग्रैनी और इविल नन ने मिलकर एक ट्रक में कुचल दिया, दोनों ने एक ट्रक खरीदा था, उस ट्रक में बैठ के उसकी को और सिबा को कुचल कर मार दिया, और इसी खुशी में हम लोग आज रात को पार्टी करेंगे, खूब डांस करेंगे। अरे मजा आ गया ना, आज सिबा और कीको को मार ही दिया, दोनों को अपने रास्ते से हटा ही दिया, खरगोश को खाएंगे पहले जलाकर भूनकर, फिर रात को पार्टी करेंगे। वो लीडर सिंगम तो बहुत रो रहा होगा, उसका भाई सिंचान भी। हाँ ग्रैनी बिल्कुल सही बोला तुमने, आखिरकार हमारा दुश्मन कम हो ही गया। अरे गाइस मुझे पता चल चुका है इन लोगों ने मारा है ग्रैनी इवल नन, तुम दोनों बचोगी नहीं, तुम दोनों को मैं मार डालूंगा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। आखिरकार तू भी आ गया मरने के लिए, अब तू मरेगा, तेरे भाई की कर सिबा को तो मैंने और ग्रैनी ने कुचला था ट्रक से, अब तुझे यहाँ पे पीट पीट के मार डालूंगी, हिम्मत कैसी हुई तेरी, अकेले मेरे अड्डे में आया है ये ले, आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे आज अरे आउच मर गया, ये क्या कर रही हो ये बल्ले, तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ गई है, तुझे क्या लगा तेरे पास ही बस शक्तियाँ है, हम चुड़ैल भूत पिशाच लोग ऐसे ही मुंह उठा के आए हैं इस दुनिया में, ये ले, अब
मार डालो इपल नानी इस लिटिल सिंगम को, मार डालो इसको, छोड़ मत। जरूर ज्ञानी, ये देखो इसको तो पटक पटक कर मारूंगी। अरे तुम बचोगे नहीं इवल नन, तुम बचोगे नहीं, मुझे जितना पीटना चाहती हो पीट लो, एक बार बस मैं उड़ जाऊँ ना फिर तुम्हें मजा चखाऊंगा इवल नन, तुम बचोगे नहीं। और ग्रैनी तुम भी, तुम्हें भी मैं मार डालूंगा, तुम दोनों को चीटियों को जैसे मसल दूंगा। छोड़ दे छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। अरे मर गया। गाइस जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तभी मेरा सुपर पावर ज़्यादा काम करेगा। गाइस पता नहीं मेरा सुपर पावर क्यों काम नहीं कर रहा। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करो गाइस, वीडियो को लाइक करो, तभी मैं इन दोनों ग्रैनी और इविल नन का खत्म कर पाऊंगा किस्सा। गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ये तो मुझे पीट रही है गाइस, मैं तो मर जाऊंगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं इन सभी का पिटाई कर पाऊं और मेरे अपने भाई का बदला ले पाऊं। तू बचेगा नहीं लिटिल सिंगम, तेरी मौत आ चुकी है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस, वीडियो को लाइक करो, बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बस मेरे अंदर शक्ति आने वाली है गाइस, अब इसकी मैं बहुत पिटाई करूंगा। तो कुछ नहीं कर सकता कीको, और सिपा को जैसे मारा है अब तू भी मरेगा, तीनों भाई एक साथ खत्म होंगे। मजा ही आ गया। अरे ये बलम तुमने तो कमाल ही कर दिया इस लिटिल सिंगम की कुटाई करके पिटाई करके, भैंस की टांग, मजा ही आ गया। गाइज ऐसा लग रहा है मेरे अंदर बहुत सारा सुपर पावर आ चुका है, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। गाइज थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। गाइज अब देखो मैं कैसे इसकी पिटाई करता हूँ। इविल नन की बच्ची, अब तू बची की नहीं, उठ गया, ये ले। ये क्या हो गया, मेरा गला क्यों दबा रहा है, मर जाऊंगी, छोड़ छोड़ मुझे लिटिल सिंगम, छोड़ दे, मर जाऊंगी, ये ले। अरे गाइज पता नहीं कहाँ चली गई, इसको तो मैंने बहुत दूर फेंका है। चलो गाइज इसके तो मैंने गले को दबा कर कहीं दूर फेंक दिया। चलो अब उस ग्रैनी की बारी है, उस ग्रैनी को मैं छोड़ूंगा नहीं गाइज, वो भी बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी और उसने भी गाइज उस इविल नन के साथ मिलकर मेरे भाई की को और सिपा को मारा है। गाइज आज मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, इनकी हिम्मत कैसी, छोड़ दे मुझे, ये ले ग्रैनी की बच्ची, ये खा, आज दोनों के मार डालूंगा, ये ले। गाइस देख सकते हो ग्रैनी की भी तो मैंने छुट्टी कर दी है, अब उन सारी ग्रैनी और इविल नन की बारी है। गाइस ये लोग उस ग्रैनी और इविल नन की बहन है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज छोड़ दे लिटिल सिंगम, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, वो सब चीजें तो हमारी इविल नन बहन और ग्रैनी ने किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अगर तू हमें छोड़ देगा ना तो हम फिर से तेरे भाई की और सिपा को जिंदा कर देंगे। हाँ अगर हम लोग एक साथ मिलकर जादू टोना करेंगे ना तो तेरा भाई की और सिपा फिर से जिंदा हो जाएगा। क्या सच बोल रही हो तुम लोग? हाँ सच बोल रही हूँ, एक बार बस हमें छोड़ दे, मारना मत, वादा करती हूँ तेरे भाई को जिंदा कर दूंगी, अभी के अभी चल तेरे घर में, हमें मत मारना। ठीक है फटाफट से मेरे भाई लोगों को जिंदा करो, चलो। गाइस देख सकते हो सिपा भैया और केको भैया के साथ जादू टोना कर रहे हैं ये चुड़ैल लोग, और इन लोगों ने बोला है कि मेरे केको भैया और सिपा भैया जिंदा हो जाएंगे। हाँ जिंदा हो जाएंगे, देख इनके शरीर के अंदर आत्माएं आ रही है इनकी, देख कैसे कैसे जादुई पार्टिकल्स निकल रहे हैं इनके शरीर से। और जल्दी जल्दी सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, तभी ये सिपा और केको जल्दी से जिंदा हो जाएंगे, दोबारा से खेलेंगे कूदेंगे। गाइज प्लीज आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो, देख सकते हो ये चुड़ैल लोग तो तपस्या यहाँ पे कर रही है, जादू टोना कर रही है सिपा और कीको को जिंदा करने के लिए, बट आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे ना चैनल को और वीडियो को लाइक कर दोगे तो ये लोग फटाक से जिंदा हो जाएंगे। बाप रे बाप, मेरे लिटिल सिंगम भैया कितना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज जिंदा हो जाओ कीको भैया सिपा भैया। हाँ हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, ये देखो गिली गिली छू अंतर मंतर चंतर। अरे लिटिल सिंगम भैया ये देखो मैं जिंदा हो गया हूँ, अरे लिटिल सिंगम भैया मैं भी जिंदा हो गया, ये मजा आ रहा है, अली अली डांस करूंगा आज तो, हम लोग जिंदा हो गए पीछे।
और गाइस देख सकते हो कीको और सिबा तो फिर से जिंदा हो गए। ये देखो खुशी के मारे ये लोग डांस कर रहे हैं और इन चुड़ैल लोगों ने तो कमाल कर दिया गाइस। इन दोनों ने कीको और सिबा को जिंदा कर दिया दोबारा से। अरे उड़ जाओ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग पार्टी करेंगे और तुम लोग भी पार्टी में रहना, जो भी खाना है जी भर के खाना। ठीक है लिटिल सिंगम, तू तो बहुत अच्छा निकला। अरे हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ। गाइस देख सकते हो मेरे लिटिल सिंगम भैया ने आखिरकार केको भैया सिबा भैया को